अपनी जादुई शक्ति दिखाओ। बीत गए जो पल उन्हें वापस ले आओ, वापस ले आओ। समझ गए ना, फूल को मंत्र सुनाती और जवान हो जाती। डर लगा? सुनहरे फूल के जादू ने महारानी को ठीक कर दिया और जन्मी एक सुंदर सी बेटी, एक राजकुमारी जिसके रेशमी सुनहरे बाल थे। जानते हो ये बच्ची कौन है? ये है रपंजल। उसके जन्मदिन के मौके पर महाराज और महारानी ने आसमान में एक कंदील छोड़ा। उस पल तक सब कुछ एकदम सही था, लेकिन सिर्फ उस पल तक। खुल जाओ, खुल खिल जाओ, अपनी जादुई शक्ति दिखाओ। ठीक कहे जो बच्ची को चुरा कर निकल पड़ी और गायब। उस राज्य के सभी लोगों ने राजकुमारी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, क्योंकि दूर घने जंगल में एक गुप्त मीनार में गौधल उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। हो गया लौटा दो सब कुछ जो था मेरा, जो था मेरा। गौधल को एक नया जादुई फूल मिल गया था, जिसे इस बार हर हाल में उसे दुनिया से छिपा कर रखना था। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? बाहर की दुनिया बहुत